दिन हो गए आलू के तना काटल। हाँ दीदी, विजय भैया कहले रहथिन 14 दिन हो जाते तो आलू के खुदाई कर लेवे के। ऐसे भैया से हमारा बातों भेल है, भैया कहलथिन जे हम अबै छथिन रस्ते में हथिन जे अबै छी तो खुदाई कर लेवे के। विजय भैया जैसे जैसे तरीका बतथिन वैसे ही खुदाई करबै। प्रणाम दीदी। प्रणाम भैया। भैया अही के इंतजार में रही, अहाँ सही समय पर आ गई है। भैया 14 दिन तना कटला हो गेलक, बीच में सिंचाइयो नहीं कैली न कैली है, अही के इंतजार में हती, आगे बताऊ कैसे कैसे कर। बिल्कुल सही कैली, आज अहाँ के हम आलू खाने के तरीका के बारे में बता रही। दीदी जैसन की पहले ही बतैले रही कि मिट्टी से आलू निकाले के सबसे अच्छा तरीका हल बैल है। दौने दौने हल बैल चला के मिट्टी से आलू निकाले से आलू कटे के भी संभावना कम रहे और आलू भी निकल जाइए। लेकिन एक बात पर ध्यान देवे के हो कि अगर दूसरा फसल आलू में न लगल हो तब तो। ठीक है भैया। दीदी अई तरह के आलू गुराई आलू निकाय यंत्र से आलू निकालला से आलू कटे के संभावना कम रहै, आलू बच जाइए। एकरा अलावा दीदी छोटा उपकरण से भी सावधानी पूर्वक आलू के मिट्टी से बाहर निकालल जाइए। ठीक है दीदी, तो हम अहाँ के अब आलू खन के देखा रही। ठीक है भैया, देखाई। आलू तो बड़ा बढ़िया निकल लग। हाँ भैया, अगर छिलका भी कुछ मोटा हो गया। हाँ, यही हम अहाँ के समझावे के चाहत रही है दीदी। बहुत बढ़िया हो कि 14 दिन पहले आलू के डांटी काट देवे से आलू के छिलका जे है मोटा हो जाए। हाँ भैया। देखो दीदी, आलू तक खना गेल, अब एकरा 24 घंटा के लेल धूपे में छोड़ देवै। की होतै कि दीदी आलू में जे ज्यादा नमी होतै उ निकल जतै और वातावरण के अनुकूल हो जतै आलू, और आलू ज्यादा दिन टिकाऊ रहतै। टिकाऊ रहतै, खराब ना। आलू के अगर आगात वैरायटी है और आलू अहाँ बेचे के चाहे छी। हाँ भैया। तो आलू के खेत में थोड़ा नमी रहे के चाहिए। थोड़ा नमी रहे। ऐसे की होइया कि आलू खनै समय मिट्टी के एक परत आलू पर रहे से आलू के कहीं ले जाए लावे में छिलका आलू के न उतरे। ठीक है भैया। दीदी अगर आगात किस्म के आलू के अगर तुरंत बेचे के है मार्केट में तो ओकरा कोन तरह से खनल जतै ओके बारे में अहाँ के हम बता दै छी। खन के अहाँ देखू। देखू दीदी अइ खेत में अभी भी थोड़ा नमी है, अइ के हम खन के अहाँ के बता दै छी। ठीक है भैया। देखू नमी वाला आलू खने से आलू पर मिट्टी के एक परत परल रहे से आलू के कहीं ले जाए और लावे से छिलका उतरे के संभावना कम रहे। ठीक है भैया। चौबीस घंटा तो आलू खेते में रह गए धूप में, अब एकरा सही ढेर लगा के 7 दिन तक ले हवादार जगह में रखे। भैया खेत में रखे ला न चाहबै तो और कहीं कहाँ रखबै? तो कहीं भी सुरक्षित स्थान पर अहाँ 24 घंटा धूप लगबै आलू के न, ओकरा बादे ढेर लगा के छायादार जगह पर रखबै, हवादार जगह पर। ठीक है, सही है। अई तरह से आलू के रखला से
आलू वातावरण के अनुकूल हो जाए छै और छिलका एकर मोटा हो जाए छै, ऐसे सरे गले के संभावना कम रहे छै, आलू ज्यादा दिन तक ले सुरक्षित रहे छै। ठीक है भैया, इसी तरह रखब। और यही तरह से आलू रखला से आलू के छिलका करा रहतै और बोरा में रख के ले जाए से छिलका न छिलतै और रोग मुक्त रहतै। दीदी एगो जरूरी काम और भी। कौन जरूरी? आलू के बोरा में कसे से पहले ग्रेडिंग या छटाई कर लेना बड़ा जरूरी है। जरूरी है छाटे के? हाँ दीदी, आलू के तीन भाग में छाटे के है, ग्रेडिंग करे के है, जिनमें सबसे बड़ा आलू के अलग छाट लेवे के है। सबसे बड़ आलू के उपयोग सबसे पहले करेला है, कैला कि सबसे बड़ आलू में अंकुर सबसे पहले अवैय और जल्दी खराब भी हो जाइय। दीदी अई तरह के मझोल आलू के स्टोर करेला है और जब अच्छा दाम मिले लागे तब बेचे के चाही। दीदी छोट आलू बीज के लेल अच्छा होइय और अई में अंकुर सही समय पर होइय जब आलू के रोपनी या रोपाई शुरू होइय। दीदी देखू अई तरह के हरा आलू के अलग कर देवेला है, कहला कि यह जहरीला आलू हो या एकरा खाए में उपयोग न करे के है। दीदी अई तरह के कटल और छर्री आलू के आलू से अलग कर देवेला है, कहला कि अई तरह के आलू बाकी आलू के दाम कम कर दई। सरल और कटल छाट के हटा देम तो व्यापारी बढ़िया दाम दी। हाँ दीदी, तो बढ़िया दाम में बिकी। हाँ हाँ, बड़ा वाला साइज बाजार में बेचे ला रख ले। दीदी आगात किस्म के जे आलू है, अगर तुरंत मार्केट में बेचे के है तो वो आलू के भी ग्रेडिंग करके बेचे से व्यापारी दाम अच्छा दे। दीदी अब अगला बार हम बताए कि आलू के घर में स्टोर कैसे करे के चाहिए जिससे ज्यादा दिन सुरक्षित रहे, और बोरा में कैसे पैकिंग करे के चाही कि कहीं ले जाए में आलू खराब न हो। ठीक है भैया, हमरा बहुत अहाँ जानकारी देली, एक लेल बहुत बहुत धन्यवाद। अगला बेर आयब तो फिर और जानकारी देब। अहाँ सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद। आलू के खुदाई एवं छटाई के कुछ मुख्य बिंदु पर ध्यान देवे के है। आलू के मिट्टी से निकालला के बाद खेत में या खुले में 24 घंटा के लिए धूप में रख दें। आलू 24 घंटा धूप में सूखला के बाद ढेरी लगा के 7 दिन के लिए हवादार और छायादार जगह में रखना है। आलू के बोरा में भरे से पहले छटाई या ग्रेडिंग करें। और सारे आलू को छांट कर अलग कर दें।